नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से ही गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस बारिश की वजह से तापमान में और गिरावट का अनुमान है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर अब धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों सहित बिहार और झारखंड के तमाम जिलों में सर्दी का प्रभाव बढ़ेगा। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि दादरी, गाजियाबाद, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, इंदिरापुरम, चपरौला, मोदीनगर, पिलखुआ और नजीबाबाद के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। इससे अचानक सर्दी बढ़ सकती है। वहीं विशेषज्ञों ने इससे पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस बार भी लोग कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार हो जाएं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार बर्फबारी सामान्य से कुछ ज़्यादा हुई है, जिसका असर अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली सर्दी पर देखने को मिलेगा। इस बार अन्य वर्षों के मुकाबले 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम रहने का अनुमान है। इस बार जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहने की संभावना है। हालांकि यह हो सकता है कि इस बार सर्दियों का समय खिसक कर थोड़ा इधर उधर हो जाए। पहाड़ों पर अभी पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, मैदानों से गुजरते ही तापमान गिरता जाएगा। इस बार सूखी ठंड और बारिश के बाद आने वाली ठंड दोनों ही रहने की उम्मीद है। घना कोहरा रहने का भी अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं और इसके साथ ही अब बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में मौसम में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की धुंध अधिक बढ़ी है। उत्तराखंड से सटे प्रदेश के इलाकों में बीती रात से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में कुछ इलाकों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही सहारनपुर में तो ओले भी पड़े हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। इसके असर के चलते अगले 2 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड और तेज होने का मौसम विभाग का अनुमान है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में बारिश हुई है या हो रही है, यह सिलसिला सिर्फ आज रहेगा। रविवार को मौसम सूखा हो जाएगा। प्रदेश के दूसरे इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। यह जरूर है कि घने कोहरे से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई बारिश की वजह से प्रदेश के बाकी दूसरे जिलों में भी अगले 24 से 48 घंटों में ठंड बढ़ेगी, जिनमें बांदा सबसे ठंडा जिला रहा। हल्की हवा चलने के कारण कोहरे के जल्द फटने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पिछले 24 घंटे में वाराणसी, झांसी, नजीबाबाद और मेरठ में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। सुबह 10 बजे तक मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिन 3 शहरों में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, वो है बांदा, इटावा और नजीबाबाद। इसके साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य उत्तर प्रदेश और रोहेलखंड के जिलों में कोहरे का प्रकोप बहुत घना नहीं देखने को मिलेगा। यह जरूर है कि पूरे प्रदेश में कोहरे का सिलसिला अभी अगले कई दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखने को मिलेगा। चक्रवाती क्षेत्र कमजोर होने के साथ ही आज से फिर बढ़ेगी ठंड। कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, सीतापुर इत्यादि जिलों में अब फिर से लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर में लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। चक्रवाती क्षेत्र कमजोर होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ ही हवा की गति 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं रविवार सुबह से ही कोहरा छाया रहा और दिन भर बदली रही। अब फिर से लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। अरब सागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र में निम्न दबाव विकसित होने के कारण गत सप्ताह मौसम में परिवर्तन हुआ था। इसके साथ ही विपरीत हवा से चक्रवाती क्षेत्र भी सक्रिय रहा था, जिससे आसमान में बदली छाई रहने से तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं अब फिर से कड़ाके की सर्दी शुरू होगी, क्योंकि विपरीत हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र कमजोर हो रहा है।
इससे आसमान साफ होने के साथ ही पछुआ हवा को गति भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मध्य भारत में बना विपरीत हवा का चक्रवाती क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। अब तक जो बदली छाई हुई थी उससे तो निजात मिलेगी, लेकिन पछुआ हवा चलना शुरू होगी। ठंड बढ़ने के साथ ही शीतलहर का असर भी जारी रहेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।